वन ऑफ द सेक्रेट आई मीन प्लेस है मतलब तिब्बतन बुद्धिज्म का, वो ये आपको तिब्बत से बाहर एक ही ऐसा गुम्बा है ये जो स्तूपा है जो सबसे आई मीन तिब्बतन जो बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं उसके लिए प्रीसियस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सेक्रेट है ये, एक ही स्तूपा है। अच्छा जी, आप इंडिया से हो? मैं दिल्ली, मजनू का टीला। ये इंडिया से है, ये मजनू का टीला है। इधर क्या कर रहे हैं आप, घूमने आए हो कि काम करते हैं? इधर काम करने, काम करते हैं इधर ही अंदर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द टिबूट। आज मैं एक छोटा सा राइड लेने जा रहा हूँ जो इस अराउंड 30 टू 35 किलोमीटर है। सो इसमें मैं एक बौद्ध स्तूपा कवर करूँगा और सेकंड वन इज एक मंदिर है जो विष्णु भगवान का मंदिर है, मैं वो कवर करूँगा। जो रास्ते में जो जो आता रहेगा मैं आपको वो दिखाता रहूँगा, बताता रहूँगा। तो चलिए चलते हैं राइड में। हेलो गाइस, जैसा मैंने आपको बताया आज मैं आपको बौद्ध स्तूपा और एक और प्लेस में विजिट करने वाला हूं, तो चलिए चलते हैं। आज सुहाना मौसम है और अच्छा दिन है, तो चलिए रिंग रोड में आ गए हैं। रिंग रोड से सीधे हम लोग अंदर से जा सकते थे लेकिन अंदर अभी फेस्टिवल सीजन के कारण अंदर एकदम हैवी ट्रैफिक है, तो अंदर का रास्ता नहीं ले रहा हूँ, रिंग रोड ले रहा हूँ। थोड़ा लंबा दूरी पड़ेगा बट ट्रैफिक कम मिलेगी। सो मेन सिटी में नहीं जाने का है मतलब अभी, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। ये बलखू चौक आ रहा है, तो रिंग रोड में तो ये फिक्स ही है, आपको बलखू कलंकी ये सारा रास्ता आपको नज़र आ जाता है। यस खुल गई है, अब इधर से निकल रहा हूँ। हैवी ट्रैफिक है, हैवी, पता नहीं आगे क्या होगा। सिटी के अंदर तो अभी बुरा हाल है, जा ही नहीं सकते। सो आई विल ट्राई टू टेक ओनली रिंग रोड, बाहर का रास्ता। चलिए मैं आपको बताता हूँ इधर बौद्ध स्तूपा जाने का क्या रास्ता है, और इस डिपेंड ऑन प्लेस। आप काठमांडू वैली, मतलब वैली बोले क्योंकि काठमांडू के अंदर आपको तीन डिस्ट्रिक्ट है, ललितपुर, काठमांडू एंड भक्तपुर। तो आप किस एरिया में रह रहे हो? यदि आप काठमांडू डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हो तो, और उस पर भी डिस्ट्रिक्ट में किस साइड में, यदि आप कलंकी साइड में रह रहे हो तो आप सीधे कलंकी से रिंग रोड पकड़ सकते हो, और नहीं तो आप रिंग रोड से नहीं जाना चाहते हो, सिटी के अंदर से जाना चाहते हो तो कलंकी से सोल्टी मोड़, सोल्टी मोड़ से काली माटी होते हुए आप क्या बोलते हैं वो, या काली माटी से आगे जाना होगा आपको, और काली माटी से सीधा आप जाओगे तो मंडाला एक राउंड अबाउट है, तो उधर से आपको बानेश्वर होते हुए आपको एयरपोर्ट का रास्ता से जाना होगा। अभी आप काठमांडू के अदर पार्ट में रह रहे हो जैसे कि रिंग रोड या इन साइड, तो उधर से जाने के लिए आपको, आप रिंग रोड ही लो सबसे अच्छा है। जैसे बालाजू बस पार्क इस एरिया में है तो आप रिंग रोड लोगे तो जल्दी पहुंच जाओगे। तो और यदि आप एयरपोर्ट साइड में रह रहे हो तो एयरपोर्ट से बहुत नज़दीक है, अराउंड 2-2.5 किलोमीटर के आसपास है। कलंकी से आपको 10-12 किलोमीटर से थोड़ा कुछ ज़्यादा पड़ता है। और यदि आप ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हो तो ललितपुर में जैसे जावला खेल हो गया, लगन खेल हो गया, तो इस एरिया में आप है तो आप उधर से आप बीच का एक रास्ता जाता है तो वो ग्वारको में निकलता है, तो आप उधर से जा सकते हैं। क्योंकि अब मैं अभी रिंग रोड से पकड़ा हूँ तो मुझे भी तो ग्वारको जाना ही होगा क्योंकि वही रास्ता है। ये रास्ता थोड़ा लंबा डिस्टेंस है इस रास्ता का, लेकिन अच्छी बात है कि ट्रैफिक कम मिलेगा, आगे जाके मिलेगी आपको ग्वारको और साधु वाटो साइड में, अभी तो नहीं मिलेगी।
और यदि आप भागपुर साइड में रह रहे हो तो भागपुर मतलब जो डिस्ट्रिक्ट है मतलब, तो उधर से आने का एक मेजर ही रास्ता है जो मतलब आप कोटेश्वर आ जाओ और कोटेश्वर से सीधा आपको गौशाला जो पशुपति टेम्पल है तो उधर जाने का रास्ता से आप आ सकते हैं। एयरपोर्ट होते हुए आपको चक्रपथ जाना होगा और चक्रपथ चौक से यदि एयरपोर्ट साइड से आते हो तो चक्रपथ जाना होगा और चक्रपथ के साइड से आपको जैसे ही चक्रपथ के रोड वो रास्ता पकड़ना होगा चाबिल चौक आएगा। तो चाबिल चौक से जो है मतलब जिधर से भी जाओगे यदि अरे एयरपोर्ट साइड से जाओगे तो आपको चाबिल चौक पहुंचना होगा और चाबिल चौक से जो आपको जो है राइट लेना होगा और इनकेस आप बस पार्क और अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे हो रिंग रोड में वो तो रिंग रोड से ही आना पड़ेगा उधर, तो चाबिल चौक आओगे तो चाबिल चौक से आपको लेफ्ट लेना होगा और वो रास्ता आपको सुंदरी जल एक प्लेस है तो उधर जाता है। तो चाबिल चौक से आपको ऑलमोस्ट 1.5 किलोमीटर समथिंग ऐसा ही होगा तो आप बौद्धा पहुंच सकते हो। चाबिल चौक होते हुए जाएंगे तो वो बौद्धा स्तूपा है जिसे नेपाली में गुम्बा बोला जाता है, वो बुद्धिस्ट लोग के लिए मतलब बुद्धिस्ट टेंपल बोल सकते हो, तो उधर ही विजिट कर रहा हूँ। आज का जो राइड है एक छोटा राइड है, आप ज़्यादा लंबा राइड नहीं है ये। एक्चुअली मैं अभी फेस्टिवल चल रहा है इसलिए मैं भी मेरा बहुत सारा राइड है तो मैं अभी काठमांडू वैली से बाहर नहीं जा रहा हूँ क्योंकि बाहर का रास्ता इट्स रियली पैक, इट्स अ हॉरिबल। सभी लोग काठमांडू से बाहर वो दिवाली और इधर एक नेपाल में एक वन ऑफ द बिगेस्ट फेस्टिवल बोल सकते हो, वो आपको क्या कहते हैं वो भाईटीका बोलता है मतलब भाई बहन का वो फेस्टिवल है, ब्रदर एंड सिस्टर का फेस्टिवल है। तो वो फेस्टिवल में मतलब सभी लोग जाते हैं टीका लगाने के लिए, जैसे इंडिया में भैया दूज होता है ना तो उसी टाइप का है ये। साधु बाटा आया है तो साधु बाटे से आपको ग्वार को होते हुए कोटेश्वर पहुंचना होगा जैसे मैंने आपको बताया, तो कोटेश्वर से हम लोग को लेफ्ट लेने का है। थोड़ा भगा लेता हूँ, रास्ता थोड़ा खाली है तो भागना ही चाहिए। जिधर जाम मिलेगा तो उधर तो रुकना ही पड़ेगा। ये आपको क्या बोलते हैं ये ग्वारको एरिया आ गया, आगे जो रेड लाइट है वो ग्वारको चौक है। तो ग्वारको चौक से आप राइट जाओगे तो आपको बहुत अच्छा व्यू है, उधर लुबू एरिया बोला जाता है तो उधर जा सकते हो।
चलिए ग्वारको चौक से हम लोग निकल गए हैं, अब कोटेश्वर चौक आएगा और कोटेश्वर चौक से हम लोग को लेफ्ट, मतलब लेफ्ट ही लेना होगा क्योंकि वो पशुपति मंदिर टेंपल और एयरपोर्ट जाने का रास्ता ही वो है, तो उधर से ही जाने का है। तो रास्ता खाली है तो भगा दिया गया, तो जल्दी पहुंच जाऊंगा लगता है, 10-15 मिनट में तो पहुंच जाना चाहिए। यह आपको कोटेश्वर चौक है, तो इधर से आपको भक्तपुर जा सकते हो, भक्तपुर डिस्ट्रिक्ट बनेपा डिस्ट्रिक्ट जो राइट साइड का रास्ता है, जो तो वो काठमांडू से बाहर निकलने का एक ये भी रास्ता है, और उधर से छोटा रास्ता है, मतलब हेवी बांस और ये सब नहीं चलती है, तो फोर व्हीलर तो चलती है, फोर व्हीलर का तो रास्ता है। तो हम लोग कोटेश्वर चौक से लेफ्ट ले लिए हैं और एयरपोर्ट रोड की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि एयरपोर्ट रोड से आगे जाएंगे तो टेंपल आएगा मंदिर, और मंदिर से सीधा जाएंगे तो आपको आप जिस एरिया मतलब ये रिंग रोड के इस साइड से आए होंगे तो आपको यही रास्ता ही जाना होगा। आपको जो राइट साइड में ये ग्रीन ग्रीन ये ट्री है, ये एयरपोर्ट का एरिया है। ये जो राइट साइड में आपको दिखाई दे रहा है ये आपको कार्गो है, ये कार्गो कॉम्प्लेक्स है। मैं आपको कार्गो कॉम्प्लेक्स जो है बाहर से ही दिखाऊंगा, अंदर तो नहीं जाऊंगा, बाहर से ही दिखाऊंगा। जो जो रास्ता में आता जा रहा है मैं आपको दिखाता जाऊंगा। ये आपको जो राइट साइड में जो दिखाई दे रहा है, मैं एक सेकेंड रोकता हूँ उसके बाद दिखाता हूँ। ये कार्गो का कॉम्प्लेक्स है एयरपोर्ट का। सारा ये एयरपोर्ट का ही एरिया है, जो भी आपको ये बॉब वायर और तार जो लगा हुआ है ये एयरपोर्ट का ही एरिया है। ये आप सीनामंगल आने वाला है, एविएशन म्यूजियम भी है इधर। आप यहाँ देख सकते हो ये आपको एविएशन म्यूजियम है, तो एक प्लेन रखा हुआ है जो नेपाल एयरलाइंस का जो कोई पुराना प्लेन था तो उधर रखा हुआ है। तो अंदर जाने से टिकट लगता है, अब कितना टिकट है 250, नेपाली के लिए 250 है, स्टूडेंट के लिए 125, सार्क सिटीजन के लिए 250 है, और फॉरेनर के लिए आपको 500 है। तो ये एविएशन म्यूजियम था, मैंने आपको बाहर से दिखाया। हाँ वो जो आपको दिखाई दे रहा है वो प्लेन है, वो एयरपोर्ट का आई मीन हैंगर बोलो आप क्या बोलते हैं उसे, जहाँ प्लेन को रखा जाता है, मुझे एग्जैक्ट वर्ड याद नहीं आ रहा। तो प्लेन सब लगी हुई है, ये सीनामंगल एरिया है, और सीनामंगल एरिया में आपको ये DHL का बिल्डिंग है,
अब ये रास्ता आपको एयरपोर्ट ही, अब एयरपोर्ट आने ही वाला है, तो एयरपोर्ट के बाद आपको पशुपति टेंपल मिलेगा, गौशाला एरिया। आप ये राइट साइड में देख रहे हो, ये जो गाड़ी निकल रही है, कार टैक्सी जो आ रहा है आपको, ये राइट साइड में ये एयरपोर्ट का एग्जिट है। ये अब ग्रीन सिग्नल जली हुई है तो रोक नहीं सकता, मैं आपको एयरपोर्ट का गेट दिखा दूंगा, आप देख सकते हैं। ये आपको ये राइट साइड में जो है आपको एयरपोर्ट का गेट है, ये एयरपोर्ट का गेट है, ये अंदर जा सकता था लेकिन अभी जाऊंगा नहीं क्योंकि अभी बौद्धा विजिट कर रहा हूँ। हाँ, ये गोल्फ ग्राउंड है, एयरपोर्ट और पशुपति टेंपल के बीच में जो आपको राइट साइड में दिखाई दे रहा है, ये गोल्फ ग्राउंड है। कभी कभी पब्लिक लोग गोल्फ खेलते हैं, मैंने तो कभी देखा नहीं है इधर, तो अच्छा एरिया है। यू कैन सी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, सारा ग्रीन ग्रीन है, उधर अंदर आपको कुछ फॉरेस्ट भी है, तो इट्स रियल। ऐसे काठमांडू में ग्रीन तो ज़्यादा ही है, ट्री और घास ब्रिज सब ज़्यादा ही लगे हुए हैं। काठमांडू इज कम्स अंडर द वन ऑफ द, आई मीन क्या कह सकते हैं आपको, क्लीन सिटी में ही काउंट होता है। रैंकिंग कितना है मुझे ये नहीं मालूम, मैं इधर से आपको दिखाता हूँ। ये आपको बागमती खोला है ना, खोला मतलब रिवर, बागमती रिवर, जो आपको आगे जो धुआं दिखाई दे रहा है वहाँ क्रिमिनेशन चल रहा है, मतलब डेड बॉडी को जलाया जाता है। तो आप ये पशुपति अंदर से ही दर्शन कर सकते हैं, इसका मेन इंट्रांस आगे से है, मैं वो दिखाता हूँ, क्योंकि ये जो राइट साइड में है आपको वो पशुपति ही जाता है, पशुपति का ही एरिया है। हम लोग पशुपति का एरिया आ गए, पशुपति टेंपल आपको राइट साइड में है, ये जो गाछ वृक्ष लगा हुआ है ये पशुपति का ही एरिया है। आपको राइट साइड में जो दिखाई दे रहा है वो राइट साइड में वो पशुपति का इंट्रांस है, ये न्यू बनाया है, ये न्यू तो मतलब बहुत सारा साल, इट्स बहुत साल पहले ही बनाया है, लेकिन इसका ओल्डेस्ट जो मतलब जाने का है, पहला वाला जो रास्ता, फर्स्ट जो रास्ता है, मैं आपको आगे दिखाता हूँ। अब ये गौशाला चौक है, मतलब ये पशुपति गौशाला, मतलब वो जो आपका आगे है वो धर्मशाला है, ये गौशाला चौक है। गौशाला चौक से हम लोग को राइट लेने का है, यदि आप कोटेश्वर से आ रहे हो तो आपको राइट लेना होगा, आप बानेश्वर या और अदर प्लेस से आ रहे हो तो आपको लेफ्ट लेना होगा। अब चावल चौक आने वाला है, चावल चौक से हम लोग को राइट लेने का है, सो विल टेक द राइट। वाओ, इधर तो ट्रैफिक लेस है, मज़ा आ गया। ये चावल चौक है, यदि आप एयरपोर्ट साइड से आ रहे हो तो आपको राइट लेने का है, राइट लेके सीधा आपको अंदर जाने का है। आप बालाजू बस पार्क साइड से आ रहे हो तो आपको लेफ्ट लेके अंदर जाने का है, तो इधर से ज़्यादा डिस्टेंस तो नहीं है, 1.5 किलोमीटर जितना होगा इधर से। ये आपको सीधा जाना है, लेफ्ट जाओगे तो आपको सुंदरी जल आएगा, उधर भी एक अच्छा व्यू है, मैं एक दिन मैं राइड लूँगा ये आपको लेफ्ट जाने से। सुंदरी जल बोलते हैं, सुंदरी मतलब ब्यूटी, जल मीन्स क्या कह सकते हैं, वाटर मतलब अच्छी स्वच्छ, क्या बोल सकते हैं आप यार, सुंदरी जल को साफ सुथरा पानी शॉर्ट भाषा में बोला जाता है। तो अब हम लोग बौद्धा स्तूप आने ही वाले हैं, मैंने आपको दिखाना बता दिया, आपको राइट साइड में एक होटल हयात था, तो मैंने जो ये आप ये ग्रीन ग्रीन देख रहे हो ये हयात का होटल, हयात का बाउंड्री है, मैं आपको गेट दिखाना भूल गया। मैं बहुत साल पहले मैं इधर विजिट किया था, तो उसके पहले मैं कुछ दिन पहले मैं इधर विजिट किया हूँ, मेरी दीदी आई थी इंडिया से तो उसको घुमाने लेने आया था मैं, वो तो मेरा सेकेंड चैनल जो है कंट्री ट्रेवल्स चैनल है,
आप उधर जाके भी आप इसका डिटेल देख सकते हो। तो मैं टैक्सी से आया था उस समय, तो मैं अभी राइडिंग करके आ रहा हूँ। चलिए बौद्धा जाता हूँ, बाइक पार्किंग कर चुका हूँ, बौद्धा का डेट आने वाला है। आप इधर से इंट्रेंस है, आप देख सकते हैं, आपको इधर से इंट्रेंस है, आप इधर का रास्ता देख सकते हैं, इधर से इधर का। ये आपका इंट्रेंस पे हम आ गए हैं, बौद्धा का इंट्रेंस में। हेलो गाइस, मैं आपको अंदर जाके दिखाता हूँ। जो पीछे आपको जो दिखाई दे रहा है वाइट कलर का, वही मतलब आपको स्तूपा है। तो चलिए अंदर चलता हूँ। अब ये इंट्रेंस से अंदर जा रहा हूँ, इट्स रियली अमेजिंग, बहुत अच्छा व्यू है। मैं इधर से आपको व्यू दिखाता हूँ, जो सादा आपको आगे जो दिखाई दे रहा है इस वाइट कलर का जो सादा सादा, ये स्तूपा है आपका। तो इट्स रियली अमेजिंग स्टनिंग व्यू, आप ये व्यू देख सकते हो, बहुत सही व्यू है ये। आप आओगे तो यहाँ बहुत इंजॉय करोगे। तो मेरा तो राइडिंग है, मैं बस एक शॉट ही लूँगा इधर, ज़्यादा डिटेल। आप ये व्यू देख सकते हो, इट्स रियली अमेजिंग, बहुत स्तूपा है। पब्लिक जो इसमें सभी लोग राउंड लेते हैं इधर, तो मैं अभी एक राउंड लेके दिखाता हूँ मैं आपको। हम लोग इधर से एंट्री किए हैं, वो अभी आपको आगे जो गेट दिखाई दे रहा है इधर से एंट्री किए हैं। मेरे बैक साइड में आप देख सकते हो ये स्तूपा है, ये बौद्धा स्तूपा है। मतलब इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं, ये मतलब जो बुद्धिस्ट टेंपल बोल सकते हैं, स्तूपा मतलब नेपाली में इसे गुम्बा बोलता है, अब इंग्लिश में तो बौद्धा स्तूपा हो गया। ये जो मतलब तिब्बतन बुद्धिज़्म का है, तो उस सेक्रेट प्लेस है मतलब तिब्बतन बुद्धिज़्म का, वो ये आपको तिब्बत से बाहर एक ही ऐसा गुम्बा है ये जो स्तूपा है, जो सबसे तिब्बतन जो बुद्धिज़्म को फॉलो करते हैं उसके लिए अपन प्लीसियस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सेक्रेट है, ये एक ही स्तूपा है। जैसे ये आप देख रहे हैं, ये सेंट लिखा होता है इसमें, सेंट लिखा होता है। सभी लोग आपको इस तरह करके इस तरह करके घुमाते हैं, इस तरह करके। तो एक राउंड इधर, एक राउंड ले जाता है। और इस एरिया में आपको बहुत सारा शॉप, सोवनियर शॉप, ज्वेलरी, ये सारा मिल जाएगा इधर। अमेजिंग व्यू। यंगस्टर लोग ज़्यादा आते हैं इवनिंग के टाइम में, आप लोग को ज़्यादा मिल जाएगा इधर, सब हैंग अराउंड करने के लिए आते हैं। जैसे मैंने बताया, ये मतलब तिब्बतन बुद्धिज़्म, जो तिब्बतन बुद्धिस्ट को फॉलो करते हैं, तो उनके के लिए ये नेपाल में एक ये वन ऑफ द सेक्रेट ये मतलब स्तूपा है। तिब्बत से बहुत सारे आदमी लोग, जब तिब्बत और चाइना का वार हुआ था, तो बहुत सारा वो लोग माइग्रेट मतलब भागे थे उधर से देश छोड़ के, तो उस टाइम में इस स्तूपा के आसपास में आपको बहुत सारा तिब्बतन का ही ये सारा आपको इधर मिल जाएगा। तो वो लोग इधर रह रहे हैं, और जैसा हिस्टोरियन बताते हैं आपको कि ये जो मेन स्तूपा जो था इधर, तो उसको एक ओल्ड लेडी और उसका बेटा मदर एंड सन ने इसे बनाया था, जैसा हिस्टोरियन का वो क्लेम करते हैं, दावा करते हैं। तो एक अच्छा है, और ये बौद्ध पूर्णिमा के दिन में इधर फेस्टिवल भी होता है। Try to show you one round.
ये मॉनेस्ट्री है श्री गुरु लाखांग गुम्बा, गुम्बा बोलता है लेकिन ये मॉनेस्ट्री है। आप अंदर अभी जा नहीं सकते, वो पेंटिंग चल रहा है तो मैं इधर से ही दिखा देता हूँ। आपको ऊपर भी बहुत सारा पिजन मिल जाएगा उधर आपको, तो अभी आप लोग ऊपर तक जा सकते थे लेकिन वो पेंट का काम चल रहा है तो अभी ऊपर नहीं जा सकते। तो चलिए, मैंने इसका एक राउंड कवर किया और गुम्बा का स्लाइटली मैंने आपको बता दिया। तो आपका इसका डिटेल वीडियो आप देखना चाहते हैं तो मेरा एक सेकेंड चैनल है कंट्री ट्रेवल्स, तो आप उधर जाके सेकेंड चैनल में आप देख सकते हो, मैंने इसका डिटेल डाला हुआ हूँ। तो इधर से मुझे आई हैव टू गो अनदर वन प्लेस, तो उधर चलता हूँ। उधर एक टेंपल है, मैं आपको वो टेंपल भी दिखाऊँगा। ये देखिए, इट्स अमेजिंग, इट्स माइंड ब्लोइंग। व्हेनेवर यू विल कम गाइस, मेरे व्यूअर जब भी आप आओ नेपाल में तो यू शुड विजिट देयर, विल एंजॉय। तो ये गुम्बा जो है आपका पीस ऑफ इंटरविटी, मतलब शांति का प्रतीक माना जाता है। सो आई कवर ऑल दिस एरिया, मेरा सेकेंड चैनल है तो आप उधर जाके आप डिटेल में आप देख सकते हो। तो आई हैव टू मूव फ्रॉम हियर, मुझे एक और जगह विजिट करना है, तो विल टेक यू आउट देयर। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। चलिए अब इधर से जो आगे है, जैसे हम लोगों ने एंट्री किया था अब इधर से ही बाहर जा रहा हूँ। क्यों बाबा भाई, क्यों बाबा इंडियन है आप? चैनल में आएगा। हाँ चैनल है। आप किधर से हो? मैं दिल्ली। दिल्ली किधर? मजनू टीला। मजनू किला किधर? मैं तो दिल्ली में 10 साल रहा हूँ, मैं उधर ही पढ़ा। पंजाबी बस्ती? हाँ पंजाबी बस्ती। पंजाबी बस्ती बोलो ना ऐसे। नेपाली चैनल है? नहीं हिंदी चैनल है, मैं हिंदी ही बोलता हूँ, हिंदी और इंग्लिश ही रहता है। अच्छा आप नेपाल से हो? नहीं मैं इंडिया से। इंडिया कहाँ सर? मैं बिहार से। अच्छा आप इंडिया से हो? मैं दिल्ली। मजनू का टीला? ये इंडिया से है, ये मजनू का टीला है। इधर क्या कर रहे हैं आप, घूमने आए हो कि काम करते हैं? इधर काम करने। काम करते हैं इधर ही अंदर? हाँ यही कपड़े के। अच्छा इंडिया से लाते हैं? नहीं इधर होलसेल में मिलता है ना सामान, वही लेके रिटर्न में बेचना फिर। ओके ओके ओके। अच्छा आपसे मिलके अच्छा लगा। चलिए ओके बाय।